आज देखो हम लोग आए हैं एक हिमाचल के एक छोटे से गांव में जो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर इंटीरियर्स में है। रीजन आने का एक ये था कि यहाँ पर एक कोल्ड प्रेस आटा करके चीज़ है जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है, तो आप जाकर ट्राई कीजिए। तो मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पर, तो एक यहाँ पर छोटी सी हट दिखाई दी मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भाई साहब आटा लेके आ रहे हैं। अब ये आटा जो है वो थोड़ा डिफरेंट आटा है, साथ में ये जो पानी आप बहता हुआ देख रहे हैं ये कोई मतलब नॉर्मल पानी ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये डायरेक्टली चक्की रिवर से आ रहा है। चक्की रिवर मतलब आपको अगली जगह दिखाऊंगा मैं कितना डिफरेंस है। अब ये जो पानी डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से भी रोक के रखा हुआ है, अब दिखाता हूँ क्यों जा रहा है। ये पानी जा रहा है आगे जाके हट में जा रहा है, सीधा दिखाता हूँ। लेट मी शो इट टू यू। तो ये डायरेक्टली यहाँ पानी अंदर जा रहा है। अब पानी अंदर इसलिए जा रहा है, उसमें दिखाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये डायरेक्टली हट के अंदर नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इसके नीचे। अब इसके नीचे मैं दिखाऊँ आपको तो थोड़ा रिस्की चीज़ है। लेट मी शो इट टू यू। तो अभी ये जो नीचे जा रहा है हट के अंदर से पानी निकलता है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, साफ पानी है, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब खराब पानी है। ये जा रहा है इस हट के अंदर। अब जितना मैजिक है वो हट के अंदर, और आपको दिखाता हूँ। हट में घुसने के लिए बहुत ही छोटा डोर है, आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा डोर है, लेकिन ये खिड़की के समान ही डोर है। इसको ओपन करना है यहाँ से और ये ओपन होता है। अब इसकी फंक्शनिंग समझाता हूँ आपको। इस कुटिया के अंदर एक बहुत ही मैजिकल चीज़ रखी हुई है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले घुसने का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है, तो हमेशा झुक के घुसना पड़ता है और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। ये जो पिलर है पूरी छत को होल्ड करके रुका हुआ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पर कोई भी जनरेटर या मोटर नहीं लगी हुई है। ये जो पत्थर है ये अपने आप घूम रहे हैं। अपने आप कैसे घूम रहे हैं आइए समझाता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर हॉपर लगा हुआ है, जो हल्का हल्का जो मटेरियल होता है, जो गेहूँ होता है या मक्का होता है, बाजरा होता है, कोई भी मतलब चीज़ होती है, उसको यहाँ स्लोली स्लोली इस पत्थर के बीच में डालता रहता है। अब ये पत्थर घूमता रहता है, ग्राइंड करता रहता है, और ये जो आटा निकलता है या फिर मक्की का आटा, बाजरे का आटा, जो भी निकलता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। अभी घूमता कैसे, नीचे जो हट के नीचे टर्बाइन लगा हुआ था उससे ये यहाँ पर आगे पत्थर घुमाता रहता है, और जो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है वो नीचे बहते हुए पानी के ठंडक की वजह से वो ठंडा होता रहता है पत्थर। तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, फाइबर्स होते हैं किसी भी आटे के अंदर, वो इस आटे के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। जनरली होता क्या है, जितनी मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, उनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो फाइबर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो ये जो आप फील्ड देख रहे हैं ये इन्हीं की है, और ये बिजनेस भी सेटअप इनका ही है, और जो आटा यूज़ होता है वो यहीं से निकाला जाता है, इसी पानी को यूज़ करके बनाया जाता है। तो इनसे पूछते हैं कि आप कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस यूज़ किए। सर ये तो मतलब काफ़ी साल से पीछे जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, हाँ हाँ वो ही चलाते आ रहे हैं पीढ़ियों से। अच्छा, तो काफी साल से शायद हम तब से जन्म लिया तो ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो स्टोन रखा हुआ है ये तब से रखा हुआ है कि चेंज किया है इसको? मेरे चेंज ये वही है, वही पुराना स्टोन है तब से, मतलब काफी पुराना स्टोन है। अच्छा, ये मतलब सेटअप वैसे ही था, ये आपने बाद में डेवलप किया, मतलब जो कुटिया बनाई ये पूरा उस टाइम से ही है? हाँ, उस टाइम से। अच्छा, तो ये मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है, कभी बंद भी पड़ता है? बंद पड़ता है, जैसे बरसात के दिनों में बाढ़ आती है, पानी बहुत ज्यादा बंद करना पड़ता। तो क्या कहते हैं, जब बंद करना हो तो पानी को रोकते कैसे है? जैसे ये दूसरा है, तो उसको खोल देते हैं वहाँ से? खोल देते हैं, इधर से बंद करना। अच्छा, वहाँ लगा देते हैं तो पानी सारा आगे निकल जाता है। ये थोड़े गांव तक ही सीमित है, तो वही हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि जिनकी वजह से इनका भी कुछ इकोनॉमिकली अपग्रेड कर सके, हाँ। और हम भी लोगों तक ये पहुंचा सके, जो प्राकृतिक देन और जो इनके पूर्वजों की देन है, जो कि अक्सर लोग ये पसंद करते हैं। लोगों में प्रॉब्लम ये है कि लोगों में आजकल में टाइम नहीं है, तो कोई यहाँ से 25 किलोमीटर से दूर नहीं आएगा आटा मतलब गेहूँ लेके पिसवाने के लिए। तो इसलिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि गेहूँ लेके पिसवा कर उसको पैकिंग या खुले में कुछ भी करके वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आपको परचेज करना होगा, ऑर्डर कहाँ से करना होगा? उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और एक कोड हम नीचे दे देंगे, जिस कोड की हेल्प से आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपका दूर है तो उसके लिए आपको शिपिंग चार्जेस देना पड़ेंगे। तो भाई साहब यही आज की वीडियो थी। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस चीज़ है मतलब जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, कोई यूनिक चीज़ है जिससे मतलब आपने देखा हो अपने टाइम चलता आ रहा है, लंबे टाइम चल रहा है, मतलब पीढ़ियों से लंबी चलती हुई चीज़ आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ट्राई करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पठानकोट, पंजाब के अंदर कवर करने की, लोगों को दिखाने की क्या क्या चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।